जिंदगी में कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिस पे हम विश्वास कर सके, और कुछ लोग ऐसे जो विश्वास के लायक नहीं होते। लेकिन क्या हो जब आपका सबसे विश्वासी लोग ऐसा बन जाए जिसे आप कुछ विश्वास नहीं कर सकते, खुद ही आपको किसी के हाथों सौंप दे। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की रेशमी की। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो रोजाना इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी रेशमा की है। रेशमा, जिसकी शादी को अभी 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक संतान नहीं है। रेशमा की उम्र ज़्यादा नहीं, देखने में खूबसूरत है और भला से खूबसूरत भी, लेकिन उसके पति वो ना तो खूबसूरत हैं और साथ ही उनकी उम्र भी ज़्यादा है। साथ ही शराब के नशे में इस तरह से ध्वस्त रहते हैं कि अपने का आपका देखभाल ही नहीं करते। लेकिन इन सब के बावजूद रेशमा उनसे प्यार करती है, क्योंकि आखिर पति तो पति होते हैं। इस वजह से ऐसे ही उम्र वक्त बीतता जाता है। लेकिन दोस्तों, 2020 का लॉकडाउन तो आपको याद ही होगा, उसने ना जाने कितनों की ज़िंदगी क्या से क्या कर दी। किसी की ज़िंदगी इतनी खुशहाली ला दी कि कभी उतनी खुशहाली थी नहीं, तो किसी की ज़िंदगी में गम से भर दी। रेशमा के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। उसके पति एक कंपनी में काम करते थे। उनका काम कुछ ऐसा था कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था, और प्राइवेट कंपनी थी। अब अगर कंपनी का खुद का लाभ ना हो तो वो अपने स्टाफ्स को क्यों रखे भला। ऐसे ही कुछ उनके साथ भी हुआ, और उसके जो मैनेजर थे उन्होंने उन्हें जॉब से निकाल दिया। कहा अभी जॉब की ज़रूरत नहीं, अब जब जॉब मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। इतना कहकर उसे टाटा बाय बाय कर दिया। इन सब के बाद रेशमा के पति घर पे ही रहने लगे। यूँ तो वो हमेशा से बहुत शराब पीते, लेकिन लॉकडाउन में घर पर पड़े पड़े उनका शराब का नशा कुछ बढ़ता चला गया। जितने भी पैसे थे घर में, वो सारे पैसे उसने इधर से उधर कहीं ना कहीं में ख़त्म कर दिए। यूँ तो वो रेशमा कुछ अपने पास सेविंग्स रखी थी, उसी से घर चलता। वो अपने माता पिता के घर भी ना जा सकते, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। उसके भैया भाभी ने देखकर एक ऐसे लड़के से बस शादी ही तो कर दी थी, बाकी ज़िंदगी कहाँ ही कुछ बदली थी। इसी वजह से रेशमा घर ही पे रहती। उसके सेविंग्स से कुछ दिन तो चले, लेकिन फिर उसके सेविंग्स भी ख़त्म हो रहे थे। इधर उसके पति शराब के नशे में इस तरह लुप्त थे कि क्या सही और क्या गलत सब भूल गए थे। बस शराब, शराब और शराब। ऐसे ही एक शख्स जो उसके घर अक्सर आता रहता था, वो था रमेश। रेशमा कहती थी कि वो रमेश देखने में बहुत अच्छा था, और वो उसके पति की इस लॉकडाउन में काफ़ी मदद भी किया। पहले पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो उसके पति का इतना मदद क्यों कर रहा है, घर में राशन लाने से लेके हर कुछ। लेकिन बाद में उसकी आंखों से कुछ छुपाए नहीं छुपा। जिस तरह की उसकी नज़र थी रेशमा से, रेशमा बहरहाल सब समझ गई थी कि आखिर मांजरा क्या है। रमेश की शादी को अभी 1 ही साल हुए थे, लेकिन उसकी पत्नी अपने एक पुराने यार के साथ भाग गई थी, जिस वजह से रमेश अकेला तन्हा रहता। वो उसके पति का काफ़ी मदद करता, घर पर पैसे वगैरह भी सब दे देता। यूँ कहे तो रमेश रेशमी और उसके पति का पूरा खर्च ही उठाता था, बदले में वो कुछ नहीं मांगता। शायद वो लंबे रेस का घोड़ा था, और इसीलिए छोटे से गेम से उसे कुछ ये नहीं था, उसे लंबा हाथ मारना था। ये मैं नहीं बल्कि रेशमी ही अपने लफ्ज़ों में कहती है। खैर, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे रमेश उसके घर की सभी पैसों की दिक्कत को दूर कर देता, या यूं कहे तो रश्मि और उसके पति पूरी तरह से अब रमेश पे डिपेंड हो गए थे।
रमेश ये बात काफी अच्छे से समझता था। कभी कदार वो रेशमि से बात भी करता। अब इतनी सारी रमेश उसकी मदद करता तो रश्मि भी उससे काफ़ी अच्छी और मीठे शब्दों में बातें करती। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन रमेश रश्मि के घर आया शाम के वक्त और साथ ही दो बोतल दारू ले आया और फिर रश्मि के पति को दारू पिलाया। रश्मि के पति को और चाहिए भी क्या थी, दारू तो ही तो उसकी ज़िंदगी थी। फिर उसके कुछ देर बाद रश्मि के पति इतने ज़्यादा जादू पी लिए कि वो बेहोश गिरे। रश्मि ये सब कुछ देख रही थी लेकिन ये सब उसके लिए आम बात थी इसीलिए वो चुप भी थी। लेकिन उसके बाद रमेश रश्मि के पास आने लगा। पास आकर आहिस्ता से कहा, रश्मि डरो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं रमेश बाबू, मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ देखिए मेरे पति भी हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पति ने ही मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कहा है। रश्मि ये सुनकर मानो भौचक कर रह गई। वो शख्स जो हमेशा ये प्रतिक्रिया किया था कि हमेशा उसके साथ देखा, हर मुसीबत से उसे बचाएगा, वही शख्स रश्मि को आज सबसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ये सोच रश्मि की आंखों से आंसू आने लगे। तभी रमेश बाबू कहे, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रश्मि ने कहा, ये गलत है। रमेश ने कहा, गलत कुछ भी नहीं है, जरा मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें सब तरह की सुख सुविधा नहीं दे सकता? तुम्हारे पति भी यही चाहते हैं, विश्वास करो, तुम्हारे पति को लगता है कि इस तरह तुम किसी दिन उसे छोड़कर चली जाओगी। ऐसे में वो कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे उनको भी लाभ हो और तुम उसे छोड़ के भी ना जाओ। और जब मैंने तुम्हारे पति से तुम्हारे पास आने की बात कही तो तुम्हारे पति को कोई आपत्ति नहीं थी, बदले में उसे बस पैसे चाहिए थे। रश्मि ये सुन अवाक रह गई लेकिन फिर उसने सोचा, इसमें गलत भी क्या है, वैसे भी उसके पति किसी चीज़ को तुम वो नहीं कर सकते, यानी कि ना घर के खर्च उठा सकते हैं, हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। ऐसे में रमेश बाबू अगर उसकी इतनी मदद किए हैं, बदले में प्यार चाहते हैं, तो गलत क्या है? ये सोच वो रमेश बाबू के सामने अपनी आंखों के पलके झुका लेती हैं। रमेश बाबू समझ जाता है कि रश्मि को ऐतराज नहीं है लेकिन दिल के किसी कोने में रश्मि को बुरा भी लगता है। लेकिन तभी उसके पति आते हैं और कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिर ये कैसा रिश्ता है जहाँ पर एक बचाने वाला ही उसे किसी के सामने छोड़ दे। ऐसी ही कुछ ये कहानी रमेश और रेशमी की यहीं पे अंत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।